हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 22 जून 2020 गुप्त नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त करें एक महाप्रयोग, जरूर ध्यान रखें ये 5 बातें। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और माँ के भक्तों के लिए देवी दुर्गा के 9 दिवसीय साधना का महापर्व बहुत खास होता है। आषाढ़ माह में कई बड़े व्रत त्योहार मनाए जाएंगे, जिनमें से एक है आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि। आज इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथि, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मनोकामना पूर्ति महाउपाय और इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्र शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व 22 जून सोमवार से शुरू होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 जून सोमवार सुबह 5:24 से प्रातः 7:12 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 48 मिनट की होगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 22 जून सोमवार प्रातः काल 11:55 से 12:51 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 56 मिनट की होगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में करना शुभ माना जाता है। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 21 जून दोपहर 12:10 पर, वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी प्रातः 11:59 पर। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रों के दौरान 10 महाविधा, तंत्र साधना व महाकाल की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को गोपनीय रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो सुबह शाम देवी मंत्र, जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी माँ को दोनों बेला के समय लौंग और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। इसके साथ ही अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन कर व्रत संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई देवी माँ की आराधना जल्दी फलीभूत होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि महाउपाय। आषाढ़ वर्षा ऋतु के आरंभ का महीना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 4था मास भी होता है। कई बड़े व्रत त्योहारों के साथ ही गुप्त नवरात्रों के लिए यह प्रसिद्ध माह है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो गुप्त नवरात्रों में किया एक छोटा सा महाउपाय व्यक्ति की सभी परेशानियों का अंत कर देता है। तो आइए जानते हैं ये महाउपाय क्या है। गुप्त नवरात्रि के दौरान सर्वप्रथम स्नान कर पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब इस पर 11 गोमती चक्र रखें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से देवी माँ के प्रभावशाली मंत्र ऐं क्लीं श्रीं मंत्र का 11 माला जाप करें और पूजा के बाद इन गोमती चक्रों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन से धन संबंधी सभी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाता है और जीवन में खुशहाली आती है। इन बातों का रखें खास ख्याल। गुप्त नवरात्रि विशेष तरह की इच्छा पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, इसीलिए गुप्त नवरात्रि पर ज्यादा प्रचार प्रसार ना करते हुए अपनी साधना को गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय रखी जाती है सफलता उतनी ही ज्यादा मिलती है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों समय देवी माँ के मंत्र, जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ की आराधना में उनका पसंदीदा लाल रंग का फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि माँ को आग, मदार, धूप और तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। पूरे 9 दिनों तक सात्विक आहार ही ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रों में माँ को सुबह शाम लौंग का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।